नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे हमारा जो पार्ट काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है, एडोब फोटोशॉप, क्योंकि डीटीपी के अंतर्गत आता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंतर्गत आने वाले एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में हमने पिछले वीडियो जो हमारे चैनल पर किट टू डिजिटल लर्निंग क्लास पर डाले गए थे, उसमें हमने लास्ट टाइम शायद हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल तक देखा था। तो इसके बाद के जो टूल्स है वो आज हम देखते हैं। इसके लिए हमें किसी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से कोई एक इमेज ओपन कर लेते हैं तथा एक नई फाइल भी ले लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में देखा था, क्लोन स्टाम्प टूल। ठीक, जिस प्रकार आपने पिछले वीडियो में देखा होगा हीलिंग ब्रश टूल का यूज और पेज टूल का यूज हमने दिखाया था, किसी एक इमेज के हिस्से को दूसरी जगह पर कॉपी करना है, किसी दूसरे फोटो के ऊपर, किसी दूसरी इमेज के ऊपर कॉपी करके ले जाना, यही काम क्लोन स्टाम्प टूल करता है। आप जानते होंगे क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन का अर्थ बखूबी समझते होंगे। क्लोन स्टाम्प टूल को हम क्लिक करेंगे और जिस इमेज का एक हिस्सा आपको दूसरी इमेज के ऊपर कॉपी करना है उस पर आप अल्टर दबाकर इसको क्लिक करें, और जहां पर जिस इमेज पर आपको यह इमेज कॉपी करनी है वहां पर आप माउस का बटन दबाते हुए इसको घुमाइए। ठीक है, माउस को हो वर्किंग, आप देखेंगे कि आपकी जो इमेज, जिस इमेज के ऊपर आपने अल्टर प्लस क्लिक करके कॉपी किया था, वही इमेज हूबहू बिल्कुल वैसी बन गई है जैसी क्लोन दूसरी वाली इमेज पर है। इसे कहते हैं क्लोन बनाना। ठीक है, यही काम हीलिंग ब्रश टूल से भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें पूरी क्लियर इमेज नहीं बनती है और बैक साइड में जो बैकग्राउंड कलर होता है उसका प्रभाव भी पड़ता है, उसके कारण इमेज थोड़ी धुंधली हो सकती है, थोड़ी हल्की हो सकती है, लेकिन क्लोन स्टाम्प टूल में बिल्कुल क्लियर इमेज आएगी। ठीक, इसके बाद पैटर्न स्टाम्प टूल के द्वारा आप किसी इमेज के ऊपर जो भी पैटर्न यहाँ पैटर्न स्टाम्प टूल में निर्धारित किए गए हैं, उन टूल्स के जरिए आप पैटर्न स्टाम्प टूल के जरिए उसको पेंट कर सकते हो एरिया के ऊपर। ठीक, जैसे कि ये बैकग्राउंड है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं पहले मैजिक पेंट टूल के द्वारा एक हिस्सा सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर पैटर्न स्टाम्प टूल के द्वारा यहाँ पैटर्न में जो भी डिज़ाइन दी हुई है, जिसमें मुझे पसंद आ रही है जो डिज़ाइन, उसको मैं यहाँ पर पेंट कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग पैटर्न दे रखे हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं अपनी इमेज के बैकग्राउंड में या अपनी इमेज के किसी भी एक हिस्से में। ठीक, नेक्स्ट जो टूल है वो है इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। देखिए दोस्तों, इरेजर का मतलब होता है मिटाना, लेकिन जो मिटाने का काम हुआ था वो हिस्ट्री ब्रश टूल के द्वारा होता है यहाँ फोटोशॉप के अंदर। तो फिर इरेजर के द्वारा क्या होता है, तो इरेजर द्वारा क्या होता है कि जो मिटाने का काम होता है वो तो होता ही है, लेकिन साथ ही जो बैकग्राउंड में कलर जो हमने चूज कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक कलर अप्लाई करने वाला है और एक बैकग्राउंड कलर का है, तो हम किसी भी इमेज को जब चूज करते हैं वहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, यदि उस बैकग्राउंड कलर को हम बदल देंगे और फिर इरेजर टूल का यूज करेंगे, तो इरेजर टूल बैकग्राउंड टूल को वहाँ पर पेंट कर देता है, बैकग्राउंड कलर को वहां पर पेंट कर देता है। ठीक, इरेज करता है, लेकिन बैकग्राउंड कलर के द्वारा इरेज करता है। ठीक, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड इरेजर टूल। आपने अभी देखा था कि आपकी इमेज के ऊपर जो भी बैकग्राउंड है, ठीक है, चाहे वो व्हाइट कलर का हो, चाहे वो कोई भी कलर का हो, लास्ट जो बैकग्राउंड है वो किसी भी कलर का हो या कोई भी इमेज हो, उसे यदि आपको डिलीट करना है और उसके भी पीछे वाला भाग आपको देखना है, तो आप मैजिक बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज करें। ठीक,
बैकग्राउंड इरेजर का टूल आप यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो भी ये हटा देगा, और इमेज के बिल्कुल लास्ट हिस्से में क्या इमेज का एक पर्दा होता है, एक लेयर होती है, जो लास्ट लेयर, वह आपकी यह निकाल देगा। ठीक, तो इसे कहते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल। और एक है मैजिक इरेजर टूल। तो मैजिक वैंड टूल जो काम करता है, एक ही कलर के पिक्सल को सिलेक्ट करता है, वैसे ही यह एक ही कलर के पिक्सल पे मैजिक इरेजर टूल का, बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज कर देता है। तो मैजिक इरेजर टूल के द्वारा आप सिलेक्टेड हिस्से को या अनसिलेक्टेड हिस्से में से एक ही कलर के पिक्सल को डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी एक कलर मिलेगा वो ये डिलीट कर देगा, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो ब्राउन हो। आप एक हिस्से पर क्लिक करेंगे और पूरा एरिया, पूरा पिक्सल वाला एरिया गायब हो जाएगा, एक ही कलर के पिक्सल का एरिया। ठीक, ये मैजिक इरेजर और बैकग्राउंड इरेजर टूल हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट जो टूल है वो है ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल। ठीक, आपने देखा होगा, आप जब भी किसी फोटोग्राफर से कोई फोटो बनवाते हैं तो वहां पर आपको बैकग्राउंड कलर के रूप में कई सारी अच्छी डिजाइन्स मिलती हैं। ठीक, वो डिजाइन कहाँ से बनाते हैं? तो ग्रेडियंट टूल के द्वारा डिजाइन बना ली जा सकती है, जिसमें एक या एक से ज्यादा कलर को मिलाकर, जैसे आप ग्रेडियंट टूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन उसके एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ से आप कलर का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग पैटर्न दिए हुए हैं, जैसे कि ये कलर है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और अपने माउस के थ्रू, लेफ्ट बटन के थ्रू एक रेखा खींची, यहाँ पर लाइन खींची, और जैसे ही उसको छोड़ा बटन को, एक डिजाइन आ जाती है बैकग्राउंड के अंदर। तो इस प्रकार की डिजाइन आप अलग अलग शेप के आधार पर, यहाँ पे 4 से 5 तरह के शेप दे रखे हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो, चाहे वो स्क्वायर वाला पसंद हो, चाहे वो सर्कल वाला पसंद हो, कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, इनका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्टिसिटी दे रखी है, यदि आप इसको कम कर देते हैं तो आप किसी इमेज के ऊपर भी या लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट टूल का यूज किया है रणवीर कपूर की इमेज के ऊपर। ठीक, तो इससे एक इमेज जो है बहुत ही खूबसूरत बन गई है। तो आप ग्रेडियंट टूल के द्वारा किसी इमेज का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप अपनी पसंद का कलर कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। ठीक है, आपने कोई भी एक डिजाइन चूज किया और यहाँ पे गए, और यहाँ से आपने कलर को डिसाइड कर लिया, कलर को चेंज कर लिया, अपनी पसंद का एक कलर लिया। ठीक, इस प्रकार आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ये बैकग्राउंड चेंज करना हो, या किसी इमेज का एक हिस्सा चेंज करना हो, या किसी इमेज के ऊपर आपको एक पतली सी लेयर लगानी हो, तो आपको ऑप्टिसिटी कम करनी होगी। नेक्स्ट जो टूल है उसी के अंदर ग्रेडियंट टूल के नीचे दे रखा है पेंट बकेट टूल। आपको यदि कलर से भरी हुई एक बाल्टी मिल जाए तो आप क्या करेंगे? उसको ढोल देंगे। ठीक है, होली के समय पे आप लोग करते होंगे। इसी प्रकार बैकग्राउंड के अंदर यदि आपको कोई कलर लगाना है तो आप कलर से भरी बाल्टी उस पर ढोल सकते हैं। जो कलर आप सिलेक्ट रखेंगे उसी कलर का आप पूरी इमेज के ऊपर इफेक्ट दिखा सकते हैं, या फिर यदि किसी इमेज में अलग अलग हिस्से में आप एरिया वाइज, क्योंकि ये एक ही कलर के पिक्सल के आधार पर काम करता है, जैसे कि मैजिक वैंड टूल काम करता है, उसी अनुसार ये काम करता है। तो आप जब एक कलर के ऊपर इसको रखेंगे तो पूरे पिक्सल्स वाला जो एरिया होगा, एक ही कलर वाले हिस्से